फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग का यूनिट वन सेट थर्ड पार्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें ऑडिट नोटबुक का मीनिंग डेफिनेस कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट नोटबुक इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑडिट नोटबुक इज़ आ डायरी और रजिस्टर। ऑडिट बुक क्या है एक तरीके का डायरी है एक रजिस्टर्ड है रजिस्टर है मेंटेन्ड बाय ऑडिट स्टाफ टू नोट एरर्स जिसमें ऑडिट स्टाफ्स जो हैं मैंटेंड करते हैं नोट करते हैं एरर्स को डाउटफुल क्वेरीज को एंड डिफिकल्टीज़ को दिट ऑडिट नोटबुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑडिट नोट बुक में जो कि वो इंक्लूड्स होते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में दर्पस इज़ टू नो डाउन द वेरियस पॉइंट्स विच जो उनका पर्पज़ है पॉइंट्स को नोट डाउनस करने का अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन करने का विच नीड टू बी आदर क्लारिफाइड विद द क्लाइंट और द चीफ ऑडिटर जिसको क्लारीफाइड uh, uh, करना होता है क्लाइंट के साथ या तो फिर चीफ uh, एडिटर्स के साथ एक दूसरे के साथ जिसे क्लरीफाई करना ज़रूरी होता है इसलिए उनमें उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिटर्स नोटबुक एक ऑडिटर्स का क्या क्या कॉन्टेंट्स होता है नोटबुक का के लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है वो किया जाता है लिस्ट द नेम्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिसर जो प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स हैं उनके नेम ड्यूटीज एंड उसके सारे रिस्पॉन्सबिलटीज़ उसमें लिखी जाती है दर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसिप्ट एंड वाउचर्स उसमें पर्टिकुलर्स मिसिंग रिसिप्ट को एंड वाउचर्स को लिखे जाते हैं मिस्टेक्स एंड एरर्स डिटेक्टेड जिसमें मिस्टेक्स एंड एरर्स फॉल्ट्स को लिखे जाते हैं नोट डाउन किए जाते हैं दी पॉइंट्स विच नीड क्लारिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशंस वो सारे पॉइंट्स जिसे क्लारीफिकेशनस करना चाहिए एक्सप्लानीशंस करना चाहिए वो सारे पॉइंट्स उसमें नोट डाउन किए जाते हैं वेरियस टोटल्स एंड बैलेंसेस, उसमें टोटल uh, बैलेंसेस और uh, सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है द पॉइंट्स टू बी आ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वो सारे पॉइंट्स एक पार्ट्स होना चाहिए एक ऑडिटर्स रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट नोटबुक, एक ऑडिट नोटबुक का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पहला है टू नो अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस पहले बिजनेस का नेचर्स क्या है उस चीज़ को जानना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशंस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स इफेक्टिवली जो भी फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं उन्हें इफेक्टिवली uh, डिटेक्शंस उनके प्रिवेंशंस करने हैं टू मेक द फ्यूचर ऑडिट वर्क ईजियर और जो फ्यूचर है ऑडिट वर्कर्स का ऑडिट वर्क का वो ईजी होना चाहिए वो ईजी करने हैं to know the facts where clarification and explanation are essential और वो facts जानने हैं कहाँ पर clarifications and explanations essential हो सकता है to check the list of debtors and creditors और जो भी debtors और creditors का जो list है उसे वो proper check करना होता है advantages of audit notebook एक audit notebook का क्या क्या advantages है पहला है facilitates audit work ऑडिट वर्क को फैसेलेट्स करता है इस फैसिलेट्स द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एज वेल इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द ऑडिट आर रिकॉर्डेड इन द नोट बुक ये फैसेलेट्स करता है कामों को एक ऑडिटर का साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स को भी जो एक ऑडिट रिकॉर्ड uh, करते हैं अपने नोटबुक में इट हेल्प्स इन रिमम्बरिंग और ये हेल्प करता है रिमम्बर करने में याद रखने में एंड रिकॉलिंग द इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट वर्क और ये रिकॉल करता है इम्पोर्टेंट मैटर्स को जो एक ऑडिट वर्क के रिलेटेड होते हैं नंबर टू है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिट रिपोर्ट्स का भी प्रिप्रेशन करना होता है ऑडिट नोट हेल्प्स इन

एक ऑडिट नोटबुक्स को एग्जामिन करने से पहले बिफोर प्रिपेयरिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट नोटबुक को एग्जामि करने से पहले वो एक अच्छा प्रिपेयर करते हैं उसकी फाइनलाइजिंग करता है और ऑडिट रिपोर्ट का नंबर थर्ड है सर्व्स एज डॉक्यूमेंट्री इविडेंस ऑडिट नोटबुक सर्व्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो ऑडिट नोटबुक uh, है वो एक सर्व्स करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तरह कोर्ट uh, में लॉ के कोर्ट में व्हेन आ स्वीट इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑडिटर फॉर हिज नेगलिजेंस जब एक स्वीट फाइल्ड करता है एक ऑडिटर्स के अगेंस्ट नेगलिजेंस करने के लिए तब एक एविडेंस के तरह काम करता है ऑडिट नोटबुक सर्व्स एज आ गाइड एक गाइड के तरह भी काम करता है व्हेन इन ऑडिट असिस्टेंट्स इज चेंज जब एक ऑडिट असिस्टेंट चेंज होता है बिफोर द कंप्लीसन ऑफ ऑडिट वर्क ऑडिट वर्क को कम्प्लीट करने से पहले ऑडिट नोटबुक सर्व्स एज ए गाइड इन कंप्लीस ऑफ बैलेंस वर्क तब एक ऑडिट वर्क ऑडिट नोटबुक जो है गाइड के तरह काम करता है उस बैलेंस uh, वर्क को कंप्लीस करने में कंप्लीट करने में फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्सेशंस करता है फिक्स करता. करता है ऑडिट नोटबुक हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंसर्न क्लर्क ये ऑडिट नोटबुक हेल्प करता है फिक्सिंग करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसर्न uh, क्लर्क का हु इज रिस्पॉन्सिबल जो एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी अंडर अनडिटेक्टेड एरर्स जो वो रिस्पॉन्सिबल्स होता है जो अनडिटेक्टेबल uh, एरर्स के लिए होता है एंड फ्रॉड्स इन दर्स ऑफ ऑडिट और ऑडिट्स के दौरान जो सारे फ्रॉड्स होते हैं उनके भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसएडवान्टजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक ऑडिट नोटबुक के कुछ डिसएडवानटेज भी हैं पहला है फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ और ये लीड्स करता है डेवलप करने में फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड को स्टाफ्स के माइंड पे दिमाग पे स्टाफ्स के अंदर मिस अंडरस्टैंडिंग वेरी ऑफन मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट ये वेरी ऑफन होता है मेंटेनेंस करने का मेंटेनेंस uh, के लिए ऑडिट का ऑडिट नोटबुक का जो कि क्रिएट्स करता है मिस अंडरस्टैंडिंग को बिटवीन द क्लाइंट्स स्टाफ एंड द ऑडिट स्टाफ ये बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है क्लाइंट्स स्टाफ के बीच और ऑडिट स्टाफ्स के बीच तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो अगर आपको ऑडिट नोटबुक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसे सॉल्व कर दूंगा अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा थैंक यू सो मच आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें